धंधा किसी सुनने वाले सभी अजीज व करीब श्रोताओं को राम राम। चंदा के सिड के माध्यम से फौजी कांड सुनवाया जा, आज फौजी कांड सुनवाया जा, कोशिंदर और ऋषि पाल की आवाजों में गाया जा। हंसराज भाई के हाथों हारमोनियम बजवाया जा, हारमोनियम बजवाया जा, टीपुआ से बस्ती राम बलबीर से रंग छटवाया जा। तो लीजिए प्रेमी सजनों, अब आपकी सेवा में महेंद्र फौजी कांड का दूसरा भाग पेश है। और अब तो सतबीर गुजर ने अपने यारे प्यारे साथी फौजी महेंद्र को मना ही लिया और लेकर के अपने उस्ताद जगमाल सिंह के पास लौनी पहुंच गया। और सतवीर ने महेंद्र से कह दिया, भैया तू चुप रहना, जब मैं जगमाल सिंह से बात करूं तो कुछ कहना मत। ठीक है भाई। जगमाल सिंह से सिफारिश करनी शुरू कर दी सतवीर ने। बहुत अच्छा साथी है, बचपन में मेरे साथ भी रहा है, चरित्रवान है, ईमानदार है, और आपकी सोबत में कोई शिकायत नहीं होगी। हमें कोई ना कोई धंधा करा दो। किस तरह से दोनों की, जगमाल और सतबीर गुर्जर की बातें हो रही हैं, सुनेंगे। जगमाल सिंह, कहिए सतबीर, एक सिफारिश लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, ये तो मैं भी आपका चेहरा देख कर बताने वाला था। अभी महेंद्र सिंह फौजी मेरा बचपनी यार है फौजी, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस सोबत में कुछ ना कुछ हमें गुजर बसर के लिए धंधा मिल जाए। लेकिन सतबीर एक बात तो बता। कहिए। कि फौजी तो बिल्कुल देसी खुरपे होते हैं, लेकिन तूने इसको अपना यार कैसे मान लिया? लेकिन श्रीमान जी ऐसी बात नहीं है, ईमानदार भी होते हैं, इनमें तो अकल ही नहीं होती। ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा। मेरा बचपन का वो यार, त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं ते, अरे तू पछतावेगा। मेरी बाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावेगा। मेरा बचपन का यार, त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं ते, अरे तू पछतावेगा। मेरी बाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावेगा। र मेरा बचपन का यार। मेरी बात मान ले, मैं सब जानू गुरुवाई मेरी साची जान ले, ज्ञान की साची जान ले। आ समझदार जा समझ ये सारा, बात मान ले, मेरी बात मान ले। मैं सब जानू गुरु बात ज्ञान की, साची जान ले गुरु तू तो साची जान ले। छान ले छणी हुई जो छन जा, एक दिन बिसियर काला बन जा जिसे तू दूध पिलावेगा। जो पी के दूध पले फौजी मारे काम में आवेगा। मेरा वो बचपन का यार त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं थे ये तू पछतावेगा। मेरी बाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावेगा। मेरा बचपन का यार ऐसा नहीं हो सकता जनमाल सिंह। अच्छा, इसकी ईमानदारी को मैं जानता हूँ, बचपन से मेरे साथ रहा है तो तुझे सतबीर पूरा भरोसा उस पे। पूरा भरोसा है जनमाल सिंह। अच्छा, यो तो कौन सजान काम बता दे तेरे ते जदार, तेरे ते जदार। जितना कुणबा बड़ा हो उसका हुआ करे फायदा, उसका हुआ करे फायदा। यो कौन सजान काम बता दे तेरे ते ज्यादा, तेरे ते ज्यादा। देख जितना कुणबा बड़ा हो उसका हुआ करे फायदा, उसका होया करे फायदा। इरादा बहुत बड़ा फौजी का क्यों तू नाश कर रोजी का। इरादा बहुत बड़ा रे फौजी का क्यों तू नाश करे रोजी का। सदा ही से बटवावेगा, सब करे कर्म का खाम मारे ना आगे खावेगा। बचपन का यार त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं थे अरे तू पछतावेगा। मेरी बाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावेगा, थारा साथ निभावेगा। त्यागे तम माने इसने गुरु रात दिन सेवा में जागे, रात दिन सेवा में जागे। खाए और पिए ते बिसियरे जहर ना त्यागे, हे जहर ना त्यागे। तम माने इसने गुरु रात दिन सेवा में जागे, थारी सेवा में जागे। भगे ना फौजी बखत पड़े पे वीर का पता लग लड़ने पे। भगे ना फौजी बखत पड़ने पे वीर का पता लगे लड़ने पे। बाण जन किसे भगावेगा, गुरु मत ठुकरावे प्यार यार का जी दुख पावेगा। बचपन का यार त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं थे तू पछतावेगा। मेरी बाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावेगा, साथ निभावेगा। अच्छे उस्ताद जो, क्या बात है अंतराज जी। अपनी राही में हेरा अपनी राही में मैं गिर के मर लूं आप गुरु इस खोदी खाई में, इस खोदी खाई में तू कांटों की रया बाड़ लगा क्यों अपनी राही में, लगा रहा क्यों अपनी राही में, मैं गिर के मर लूं खोदी खाई में गुरु इस खोदी खाई में। अच्छा और मेरी बात तो सुन लो मुंशी भला, भलाई में ही धर्म बताया छंद उस धर्म वीर ने गाया, भलाई में ही धर्म बताया छंद उस धर्म वीर ने गाया, जिसे यो जगत सराहवेगा नरे बाद इतिहास कथा भारत दर्शावेगा। मेरा बचपन का यार त्याग सतबीर यार का प्यार नहीं से तू पछतावेगा, मेरी भाई भुजा समझ फौजी सदा साथ निभावे गर रर रर मेरा बचपन का यार। जियो उस्तादो। और अब तो दोस्तों जगमाल ने जब सतवीर से सवाल करने शुरू कर दिए, सतवीर तू समझन योग्य आदमी भाई, और ये फौजी तो कम दिमाग तो वैसे होया करते हैं, और फिर यार हमारी सोबत में ऐसा आदमी रहना ठीक नहीं होगा। तो सतवीर ने समझाया, मैनेजर साहब आप मेरी बात मान लीजिए। स्वीकार कर लिया जगमाल सिंह ने, और अब तो दोनों सतवीर और महेंद्र धंधे की दौड़ में लग गए, काम शुरू हो गया। साथियों समय गुजरता गया। एक बार ऐसा होया महेंद्र फौजी को किसी रिश्तेदारी में एक शादी में पैसे की जरूरत पड़ गई, और अपने अजीज चेयरमैन जगमाल सिंह के पास पहुंच गया। कहने लगा, चेयरमैन साहब आज मुझे सख्त जरूरत है कुछ पैसे की। तो कहा, क्या कह रहे हो महेंद्र सिंह, ऐसा नहीं हो सकता, पैसा हमारे पास नहीं है इस वक्त। तो कहा, उस्ताद अगर मेरा कुछ हक और हिस्सा बनता हो तो आप अपने दीन ईमान से मुझे हक ही दे दीजिए। मेहरबानों लाल सुर्ख चेहरा हो गया जगमाल सिंह का, और क्रोध के मारे पता न क्या क्या कहने लगे महेंद्र सिंह फौजी से, निकल जा मेरे घर से बाहर, पैसा क्या होता है, पैसा नहीं मिलेगा, एक छदाम नहीं मिलेगा, और अगर तू इस लोनी कस्बे में आ गया तो तुझे बहुत बुरा इल्जाम मिलेगा, या तो लोनी में मैं रहूंगा या फौजी तू रहेगा, देख आगे क्या होता है। अरे मेरे तेरे घर में झगड़ा जगमाल करे ना, मैं तो न्यारा काम करूं सू तू मने टाल करे ना। मेरे तेरे घर में झगड़ा जगमाल करे ना, न्यारा काम करूं सू तू मने टाल करे ना। करिए हाथ ने, मतना झाड़े लगे पात ने, मतना झाड़ लगे पात ने, सुनी डाल करे ना मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने डाल करे ना। मेरे तेरे घर में झगड़ा जगमाल करे ना, मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने डाल करे ना। गुरु मान मत सतने हारे, पाप करे सरी शीस कतारे, पाप करे सर शीस कतारे, कर दे दूर कपट मत धारे, कर दे दूर कपट मत धारे, बुरा तू ख्याल करे ना मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने टाल करे ना। बंद क्यों आँख दिखाया, इब ज्यादा लाल करे ना मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने काल करे ना। मेरे तेरे घर में झगड़ा जगमाल करे ना, मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने काल करे ना। जमगीनी में नास के घर की, नास के घर की बदगोई निंदा सतगुर की, बदगोई निंदा सतगुर की, तू सुखपाल करे ना मैं तन्यारा काम करूं सू तू मने काल करे ना। जगमाल करे ना मैं तन्यारा काम करूँ सू तू मने काल करे ना। प्रेमी सजनों, जगमाल सिंह के सामने खड़े हुए महेंद्र सिंह फौजी साथियों, पहले महेंद्र सिंह फौजी को महेंद्र के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जिस दिन से गढ़किला कुठी में एक मकान पर खड़े होकर महेंद्र सिंह ने आवाज लगाई थी कि मैं महेंद्र सिंह फौजी अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए आया हूं, तो उस दिन से इसका नाम फौजी पड़ गया था। आमने सामने खड़े हैं और महेंद्र सिंह कह रहे हैं जगमाल सिंह आप तो इस कस्बे लोनी के चेयरमैन हैं, जमींदार हैं, इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कितने संजीदा आदमी होते हुए आप इस तरह की बात मेरे से कर रहे हो, ये मुमकिन बात नहीं, अच्छी नहीं है, ये शोभा नहीं देती आपको मेहरबानों। लेकिन जगमाल सिंह उन बातों पर गौर नहीं कर रहे थे और फिर दोबारा से महेंद्र सिंह को फटकारते हुए किन शब्दों में दहाड़ना शुरू कर दिया। रहेगा या मैं आप रहूं कोना। कदम बढ़ाऊंगा तने बचा सकेगा राम नहीं, तन करने दू आराम नहीं, तन करने दू आराम नहीं, मैं बन के भी कहूँ को ना, या लोनी में तू ही रहेगा या मैं आप रहूं को ना। पर सर पे ताज नहीं रहना, फीका साज नहीं रहना, यार फीका साज नहीं रहना, हर वृथा बहे लहू को ना, या लोनी में तू ही रहेगा या मैं आप रहूं को ना। बात मान जा मेरी महेंद्र, बात मान जा मेरी महेंद्र, बिन सोचे आज कहूं को ना, या लोनी में तू ही रहेगा या मैं आप रहूं को ना। साथियों, रंजिश की नींद धर गई और रंजिश का ये दौर शुरू हो गया। जगमान सिंह ने दुर्योधन की तरह से एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और उधर वो ईमानदार फौजी नाराज होके अपने घर वापस आ गया। मेहरबानों, क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या मलाल फौजी के दिल में आ रहे थे, लेकिन सब्र करके निराश होकर अपने घर बैठ गया। दोस्तों, आगे क्या होगा साइड में आप सुनेंगे सारी कहानी का हाल। कहानी यहीं से बनती है। साथियों, समय गुजरता गया और रंजिश की साथ फूटने लगी। अब तो महेंद्र सिंह अपने घर और जगमाल सिंह अपने काम धंधे में। मेहरबानों, समय समय की बात और समय समय का फेर, समय बदलते सज्जनों लगे ना कोई देर। आज इस रंजिश को लगभग 10 साल हो चुके थे। अचानक फौजी महेंद्र सिंह अपने चाचा के घर सोए हुए थे। मेहरबानों, रात का समय था, होनी ने घर घेर लिया। महेंद्र सिंह फौजी के घर में बदमाश प्रवेश हो गई और परिणाम यह हुआ, सवेरा होने पर शोर शराबा हुआ। बदमाशों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर डाला। मेहरबानों, महेंद्र फौजी की घरवाली कृष्णा और महेंद्र की भाभी के तो स्तन भी काट लिए। कितना ये समाज के विरुद्ध था। बदमाशों ने दर्द नहीं किया, आज महेंद्र सिंह के घर को हाल बेहाल कर डाला। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल करके भूसे के बोंगे में डाल दिया। आज लाशें तड़प रही थी। और महेंद्र सिंह की घरवाली हाहाकार मचा रही थी, बचाओ बचाओ। सारा गांव इकट्ठा हो गया। साथियों, सुबह होने पर महेंद्र सिंह की घरवाली किस तरह से रो रही थी, किस तरह से बच्चे आखिरी सांसों में तड़प रहे थे, देखा नहीं जाता था। सुनिए यहाँ कहा, नहीं गर्व होया जिस धनी और यसका रुकता नास नहीं। खास गाजिया बाद जिले में हुई माटी खार महेंद्र फौजी का कत्ल हुआ परवा। आज मेवला गांव में भयो मच रही हाहाकार महेंद्र फौजी का कत्ल हुआ रे परवा। दोस्तों, दिल की लगी को दिल ही जानता है और किसी और से कहो तो मजाक जानता है। मेहरबानों, बिगड़ी में सब साथ छोड़ जाते हैं, बिगड़ी में सब साथ छोड़ जाते हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार तक भी मुंह मोड़ जाते हैं। भगवान ऐसी तबाही किसी को न दे। आज महेंद्र सिंह के घर का ढेर हो गया। महेंद्र सिंह उस भारी जनता के बीच में खड़े हुए हैं। हाय परमात्मा, मैंने तो किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं किया और नहीं ऐसा कोई अपराध किसी के खिलाफ किया कि जो मेरे साथ उस अपराध के बदले मेरे घर का सर्वनाश कर डाला। कौन वो जालिम, कौन वो बदमाश लुटेरे हैं, कातिल जिन्हें मेरे घर परिवार के मासूम बच्चों को कत्ल करके कुछ मिल गया होगा। मेरी घरवाली के बेइज्जत करके स्तन काट लिए, इससे बड़ा जुल्म और इस दुनिया में क्या हो सकता है। मेहरबानों, किस तरह से माथा पकड़ के कभी जमीन में घुटने टेक के बैठ जाता है और कभी तड़पती हुई मासूम अपने बच्चों की लाश को देख करके दिल दहल रहा था, क्या क्या सोच रहा था। परमात्मा, जुल्म हो गया। लगी मेरे रजगारे में हो सर पकड़े बैठे ग्यावर लिखड़ा को ना बो ख्याते बहरा था पानी सीने के माला गया तीर। मन मस्तक में दर्द क्रोध का बंधे ते बंधे नाधीर। कहे मने सरनी जा कर दिया जहर की खुवाती खीर। लहू लुहान बहू की काया वस्त्र देखे झीरम झीर। गया रे साब छोड़ रे लड़े बैठे ग्यार लकड़ा को ना बो अरे मात पिता भाई भावज जिब जिब कुण बेकी देखी शान ताहड़ मार फौजी रोया गोदी में ठाई संतान छाती ऊपर कपड़ा गिरा सोचे कुणबा होया बेरान खिड़की भर के रोवे केरा खोटी साथ करी भगवान। खोल रे सर पकड़ बैठे ग्यार लकड़ा को ना बो चाचा ताऊ रोवे खड़े सब ढाड़ाते हुए निराश अगड़ पड़ोसी फिरे ढूंढते बच्चों ने कर रहे तलाश ढूंढे कहीं महेंद्र बोला दूर करके गम और त्रास भूसे के कोठे में देखा रे बच्चों की तड़प भरी लाश। रोन रे सर पकड़ बैठे ग्यार लकड़ा को ना बो दुनिया में इज्जत पे मरना मर्यादा हो कुल की रीत मेल झोल सत्य धर्म रयाना आपस में रही ना प्रीत धर्म वीर या धर्म आगे सदा धर्म की हो से जीत एक दिन चिणी चिणाई ढजा जो धर्म की हो से मीत। बोल घड़े रे अनमोल रे प्रेमी सजनों, क्रोध आदमी की बुद्धि का हरण कर लेता है और आज तो हाल बेहाल को देखकर महेंद्र फौजी के सर पर क्रोध सवार था। मेहरबानों, यहाँ का हाल कवि ने किस तरह से लिखा है। महेंद्र को जो शक था वो अपने यारे प्यारे मित्रों पर था जो उसके करीब थे, और उस बात का उसने बदला दोस्तों किस तरह से लिया, इस रागनी में सुनेंगे। हाँ, क्रोध भरा फौजी के तन में, अरे बदला ले लूं आज से रनूं, सोचे था मन में। हाँ, क्रोध भरा फौजी के तन में, सूरज का प्रकाश छिपा सर पर थी अंधेरी रात, क्रोध की जगी थी ज्वाला, रहा को न बस में गात, बाण सब हथियार लिए साथ लई राइफल हाथ। ओ चला जस जावे थारण में, आज गरजता शेर चला जसे गरजे था बन में। हो क्रोध भरा फौजी के तन में, चुकाया जाके कुल घाटा कुल पापियों के खून में जब नहाया जाके, ब्रजपाल ड्राइवर के कोस पे सुआया जाके। ओ शांत करी अग्नि एक क्षण में, बना दुश्मन यार यार का जो कभी खेले बचपन में। हाँ, क्रोध भरा फौजी के तन में, कर सपना सकार चला। ओ जहर भरा बिसियर के फन में, ये मन में खुशियां पार हुई जैसे पाए हुए धन में। हाँ, क्रोध भरा फौजी के तन में, बात ना सुलझाई गई। हाँ, बात न्यू फंस गई उलझन में, सुखपाल महेंद्र फौजी के भरा जहर कण कण में। हो क्रोध भरा फौजी के तन में, प्यारे साथियों, अब तो चेयरमैन जगमाल सिंह भी भगवान के प्यारे हो गए और उधर सतवीर गुजर भी इस दुनिया में न रहे और बहुत ऐसे लोग जिन्हें फौजी अपना दुश्मन मानता था एक भी न रह पाया। अब तो बेफिकर फौजी ये चाहते थे कि मैं अब इस तरह के काम छोड़ देता हूँ, हथियार गिरने में ही फायदा है। अचानक उसका यार लक्कड़ पड़ आ गया, उसने समझाया महेंद्र हथियार मत गिरो। तो किस तरह से सुनेंगे। लक्कड़ पाले भाई आज हथियार गिरना चाहूं रे हो मेरे यार, मत गिरे हथियार महेंद्र आज तने समझाऊं रे हो मेरे यार। घने दिना लिए बीत साथ में रहते रहते भाई, इसीलिए मन बात यार तेरी कभी नहीं ठुकराई। घने दिना लिए बीत साथ में रहते रहते भाई, इसीलिए मन बात यार तेरी कभी नहीं ठुकराई। अरे बिना मौत मत मरे यार मैं तेरा साथ निभाऊं रे ओ मेरे यार। मेरा जानी दुश्मन मरा आज किस पे हथियार उठाऊं रे ओ मेरे यार। अरे किसी दुश्मन ने दुश्मन कह के अच्छा? तेरे सामने खड़ा किया, वतन यूं ते मैं भी जानू सुयो कहर जहर का बढ़ा दिया। तेरे घर घर में तम लड़ा दिया मैं कहाँ लोक कथा सुनाऊं रे ओ मेरे यार। भाई अब अपनी सरकार यार मैं तो चरणों शीश झुकाऊं रे फिर मेरे यार। हाँ धरते ही हथियार यार तने छोड़ेगी सरकार नहीं। देख फूलन देवी जैसी छुटगी मन न्यू होता इतबार नहीं। तनयब जीना दन चार नहीं मैं साफ साफ बतलाऊं रे ओ मेरे यार। मैं जग में जिंदा रहूं यार न्यू कहते चाचा ताऊ रे मेरे यार। हाँ समझदार हो के फौजी ना ममता मेरे करया करते। देख जितनी मुँह उतनी बातें अब अपनी लोग कया करते। ना लालच देख बया करते मैं तेरी ओर लखाऊं रे हो मेरे यार। धर्म वीर के छंद प्रेम ते लक्कड़ पाले गाऊं रे मेरे यार। मत गेरे हथियार महेंद्र आज तने समझाऊं रे ओ मेरे यार। लक्कड़ पाले भाई आज हथियार गिरना है चाहूं मैं फिर मेरे यार। तो दोस्तों इस तरह से मना करते हैं फौजी कि मैं हथियार गिरूंगा, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद मेहरबानों महेंद्र फौजी के सर पे कड़ाई का घेरा हो गया और देखिए कुछ दिनों के बाद ऐसी साजिश रची कि पुलिस को जब ये मालूम चल गया कि महेंद्र फौजी अस्पताल में है, मेहरबानों उसे धोखे से तुझे मिलवाते हैं किसी आदमी से, वहां से लेकर के आ गए। मेहरबानों बताते हैं उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में उसे पुलिस ने कत्ल कर डाला। साथियों यहीं पर महेंद्र फौजी कांड समाप्त होता है। श्रोताओं जय हिंद जय भारत। चंदा के हित की सेवाएं आए दिन आपकी बीच में पेश होती रहेंगी और हमारा पता एक बार सुनिए, महाशय ऋषिपाल गोशिंदर खजाना, उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर, कस्बा आहर रोड खजाना। और हमारे सहयोगी जो साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज हारमोनियम मास्टर, बस्तीराम तूफान ढोलक मास्टर और टीपू भाई बेंजू मास्टर, आशे भाई घड़े मास्टर और बलवीर भाई पंसूरी वादक। दोस्तों नमस्कार।